से लेके उसको माँ बहन को आरिया दिया घर से पहुँचाया थाना पर ले जाकर के उसके घर में ताला तोड़ के रंड से आ घर में समा के चोरी कैलस कैसे दिखा हमारे लड़का हमारे माँ दोस्त बहन खा ऊपर से छत पर से ताकत चिन्हल रौरा के गिरौरा हई बिहान के बोला के चार घंटा मार दिलस तो कहत कि बाँटि उठ गई बाँटि उठला के बाद में कहत कि पैसा दे तो तोरा के बोला मार हम कहनी ए बाबा देख तीन हाली हमारे तारा के खेत काम करे वही नहीं केस एको ना लिखल आ अब हमारा कि चोर दे हम केकरा के चोर पकड़ी सौंसे गाँव में हमारे हिते खाली केहू नहीं सौंसे गाँव तू पूछे कि तेजू का लड़का कैसन हवस केस नाली का कहता है लग रहा है चट्टान सिंह ये 112 नंबर पर फोन कर दिया था कोई चट्टान सिंह यहाँ का जमींदार है यही थाना चलाता है यहाँ का जब से आज थाना ही चला रहा है और एक पहला रघुवंश सिंह चट्टान सिंह एक नहीं इसके पहले 10 केस हम केस नंबर देंगे जो कि अभियुक्त के तरफ से FIR करा देता है और जो पार्टी है उसको कुछ पता नहीं है कहाँ पर केस हुआ है और तब तक उस पर पुलिस पहुंच जाती है। अब लोग जग चुके हैं, आप कहीं भी जिस तरह चाहिएगा कि अपने मनमानी तरीके से थाना चलाएं तो ये नहीं चलने वाला है और यहाँ मनमानी चल रहा है। अभी आपने देखा एक वृद्ध महिला ने बताया जो कि माँ की उम्र की है, उन्होंने बताया कि हमें गाली देकर माँ बहन का गाली देकर भगाया गया कि भागो नहीं तो थप्पड़ से मारेंगे। ये तो गुंडागर्दी चल रही है, ये तो थाने वाला का गुंडागर्दी चल रही है। ये देखिए 5 तारीख घटना है, 5 तारीख को पिकनिक था, यही स्कूल है। घटना 5 की है। अच्छा 5 तारीख को जितनी जो लड़की घर से बना के ले गई थी सब के सब अपने अपने घर 11 बजे तक चली गई और ये लड़की जब नहीं पहुंची 2-3 घंटा तक तो चारों तरफ खोजबीन हुआ, कहीं नहीं मिली। बाद में सुराग मिला कि पारस गोस्वामी के घर में एक लड़की देखी गई है। यहाँ तक शक के आधार पर जब वहाँ ये लोग छानबीन करने लगे तो लोग अंदर से नहीं जाने दे रहा था, किवाड़ी बंद था। इधर पर पंचायत भवन बना हुआ, पंचायत भवन से ऊपर चढ़ करके जब 2 मंजिला पर ये लोग गए तो लड़की वहाँ मृत पड़ी हुई थी। मतलब ये लोग अपने जाने में मार के और नीचे से बंद कर दिया था, इस इंतजार में कि अंधेरा होगा इस लाश को कहीं फेंक देंगे। इसको पहले ये फांसी दिया गया था, ये पूरा दागी था, फूल गया था और इसके बाद आयरन से जलाया गया था, पीछे जलाया गया था, यहाँ जलाया गया जो अभी दिखाई पड़ा, पीछे वाला तो देखे नहीं वो। और इसके बाद किरासन छिड़क करके आग लगा दी गई थी, वो लोग को समझ में वो मर गई थी और बंद करके इंतजार कर रहे थे अंधेरा होने का। तब तक 4 या 4:30 बजे के लगभग वो क्या है कि ये लोग पहुंच गए, उसकी माँ वहाँ से टांग के लाई, तब सबको जानकारी, वो सारे लोग वहाँ जुट गए थे। तुरंत टेम्पो से लेके गए, यहाँ पर आए 5 तारीख को, 5 ही को यहाँ आते हैं और आने के बाद ये इंजुरी काट करके दे दिए, एक जो भी दिखाई पड़ा वही ऊपर से बिहार वो नहीं एडमिट किया। इसके बाद आरा गए, आरा एडमिट करने के समय तक बच्ची जिंदा थी। हाँ बच्ची जिंदा थी, सांस चल रहा था। इसके बाद आरा से भी रेफर कर दिया पटना, पटना वहाँ ICU में रही, PMCH में। वो कल सुबह 7:30 बजे ये दम तोड़ दी है। तब तक ये इंतजार था कि शायद होश आएगा तो बताए क्या हुआ कैसे हुआ। मारने में वो लड़की एक थी, उसकी माँ और घर के जो गार्जियन हैं वो साक्ष्य को जानकारी में रहते हुए भी माने ओपन नहीं होने दे रहे थे। कितना उम्र होगा बच्ची का? बच्ची का उम्र 11-12 साल है। 12 साल की बच्ची से ऐसा क्या दुश्मनी हो सकता है? वो पारस गोस्वामी बता रहे थे ना, पारस गोस्वामी दादा हैं उस लड़की के जो वास्तविक अभियुक्त है। उस लड़की जो इसको लेके गई थी? हाँ लेके गई थी। अच्छा उसकी उम्र है? कहाँ के रहने वाले हैं? बस बगल के ही हैं, इसी गांव के, 19 साल की है लगभग। आप कौन हैं बच्ची? हम तो गांव के हैं, हम तो जस्ट गाँव के। कहानी आपको कैसे पता चला? जब हम गांव में करीब 2:30-3 बज रहा था उस समय ये ललन चारों तरफ खोज रहे थे, हमसे बात पूछे थे। कौन है ललन? इसके दादा हैं, हो गए कहीं, वो उसके फादर हैं, यहाँ नहीं थे, वो संतुलन खो बैठे हैं, आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो चारों तरफ से पूछताछ किए थे तो हम लोगों को ये बात पता चल गई थी कि इनकी नातिनी नहीं मिल रही है। तब तक 4 बजे का एक पता चला, इस फलाने घर में पकड़ा मैंने, मिली है, टांग के लाए थे, वहाँ हम भी गए, बहुत सारे लोग हैं, पूरा आधा गांव जुट गया था। तो हमने देखा कि वहाँ ये सब छापे हुए थे, हम लोग तुरंत गए तो बोले कि पहले सबको छोड़ छाड़ के आप इसको जिलाने के लिए हॉस्पिटल ले जाइए। टेम्पो करके तुरंत ले गए, यहाँ आए तो इंजुरी मिला, बताया कि PMCH गई।
वहाँ बेहतर से बेहतर इलाज हम लोग यही सलाह देते रहे किसी तरह से लड़की को बचा लिया जाए, लेकिन लड़की बची नहीं। इस बीच में इस बीच में क्या होता है कि यहाँ के जो जिसके खिलाफ नारा लग रहा है चट्टान सिंह, ये 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया था कोई, चट्टान सिंह यहाँ का जमदार है, यही थाना चलाता है यहाँ का, जब से आज थाना ही चला रहा है। और एक पहला रघुवंश सिंह उर्फ चट्टान सिंह, एक नहीं इसके पहले 10 केस हम केस नंबर देंगे जो कि अभियुक्त के तरफ से FIR करा देता है, और जो पार्टी है उसको कुछ पता नहीं है कहाँ पर केस हुआ है, और तब तक उस पर पुलिस पहुंच जाती है अरेस्ट करने के लिए। इस घटना इसमें भी यही हुआ, वो जो अभियुक्त है उसे FIR कराया गया कि नहीं कराया गया, थाना पर आई, यहाँ 4 घंटा रही, यहाँ से अपनी गाड़ी से आरा लेके गया इंजरी कराने के लिए, जबकि यहाँ कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई देखा, कोई मारपीट नहीं हुआ था, ये लोग तो पूरे परिवार पटना में थे, ललन उनका लड़का जो भी आया वो भी गया मेहरारू और सब, और वहाँ से वो भगा दिया गया। यहाँ प्रभारी वही है, प्रभारी नहीं आशीष कुमार हैं। अच्छा, लेकिन वो पैसिव हैं, एक्टिव वहाँ का ही है, और वो अपने बड़े पदाधिकारी का चाहता है। वो जिस तरह से बैड एलिमेंट्स समाज में छिनतई करते हैं, उस तरह से जायज़ लोगों को सता करके पैसा लेकर के लोगों को देता है, इसलिए सब उसको सबके लिए लोकप्रिय है, चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे DSP हो, बात सच्चाई यही है, सबके लिए लोकप्रिय इसीलिए बना हुआ है, SP का लोकप्रिय नहीं होगा, इसलिए हम लोग शुरू में कहा कि SP से ही हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मैं ये बताइए कि जिस तरह भयानक स्थिति इस बच्ची का, और जिस तरह मारा गया है कहीं ना कहीं बहुत घिनौना तरीका से, जी जी, तो आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? तो राज है, आखिर इस तरह का कोई राज है, ये लड़की अगर होश में आती तो बता देती, और नहीं तो लड़की बताएगी। कुछ नहीं है, राज यही है कि ये गलत देख ली है, सिर्फ गलत देख ली है बस, साक्ष्य ये कहीं से कहेगी तो ओपन हो जाएगा, इसलिए इसका साक्ष्य को ही मिटा दिया गया, जो गलत जो हुआ वो ये देख ली है, यही इसकी गलती है। आप कुछ कहेंगे? आप पिताजी हैं? मैं तो बाहर था जी, मेरे पास फोन गया था 6 बजे आज, नहीं नहीं 5 तारीख का, मैं दिल्ली था, मैं गाड़ी पकड़ के आया यहाँ 7 तारीख का, 7 तारीख आया, आने के बाद मेरे लोग पटना लेके चले गए थे, तो हम दुर्गा जी से बोले कि उसको बुलवाइए, मैं पूछता हूँ मेरे लड़की कौन सी गलती की है, तो उसको बोले दुर्गा जी कि मैं बुलवाता हूँ, ठीक है आपके लिए 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, कुछ नहीं सुने। तो चट्टान सिंह पता लगा कि मेरे पे FIR करने गया, लेके दोनों का आरा में इलाज कराने के लिए, तो मैं भी यही भी बात पूछा हूँ कि सर ये कौन सी अन्याय हो रहा हमारे पास, तो नहीं नहीं आपके पास कुछ नहीं है, कुछ केस नहीं है हमारे पास, आज तक केस भी नहीं हुआ था। मैं पूछने लगा तो लड़की कल डेट कर गई, तो मैं बोला कि 2 गिरफ्तारी का अपना जो जिसका नाम है दुर्गा देवी, उसका एक लड़की का खुशिया, तो उसको पकड़िए पारस गोस्वामी का, तभी तो बताएंगे। पारस गोस्वामी से कोई दूसरा दुश्मनी नहीं सर, कोई दुश्मनी था ये नहीं था, नहीं यहाँ आपने कंप्लेन किया? हाँ कंप्लेन किए थे, अभी भी मैं कल भी कंप्लेन किए थे कि लड़की जिंदा है, मेरे एक पे फोन आया। मैं कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। वो लोग हैं कि फरार है? वो लोग तो फरार है, मार गया चट्टान सिंह, ये यहाँ था, यहाँ से क्या बोल रहे, यहाँ से चट्टान सिंह उर्फ हरबंस सिंह ने यहाँ से पकड़ के लाए थे, ले जाकर वहाँ से दरवाजे पर से यहाँ से, तो हम लोग को पुलिस को हॉस्पिटलाइज जाना था, चाहिए था वहाँ जाकर, परिजन से भी पूछना चाहिए था, इस बच्ची से भी पूछना चाहिए था। मैंने यहाँ ये लोग गिरफ्तार करके छोड़ दिया? हाँ गिरफ्तार किए थे, 4 घंटे रखे थाने में, इसके बाद आरा ले गए, आरा से वही से पता नहीं कहाँ छोड़, आरा से बोल रहे कि घर पर उसको लेके मैं छोड़ दिया, मैं बिहार क्या खोजने लगा, तो खेत रख कर 50,000 रुपये, ठीक है जी 50,000 रुपये भोजपुरी में कह देबे कम बस। हम लोग 112 नंबर पर कोई फ़ोन कर दिया था, चट्टान सिंह ने उसको धमकाया है कि आपने 112 नंबर पर फ़ोन क्यों किया। दूसरी बात, उन्होंने एक जगह है जो चट्टान सिंह फ़ोन किए थे, राजू भाई अच्छा यही है, और दूसरी बात ये कि जगह जगह गाँव में घूम करके चौक चौराहा पर इन्होंने कहा है कि वो गंगाजल समझ करके छिड़क दी थी, तो आग कैसे लगी या तो आग अगरबत्ती से लग गई है, ये मानवीय भूल है, इसको बोलते हैं कि मानवीय भूल है। कौन सा पूजा होता है? छोड़ा ना यार, वो बताती है कि 1:30 बजे पूजा हुआ था, अगरबत्ती जो कहीं जल रही थी, और किरासन छिड़की है गंगाजल समझ करके,
घटना के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी ये बा कि लड़की पढ़ के आवत रहे स्कूल में से, केहू कुछ बात नखे जानत आ लड़की के माने रोड पर घींच के आत्महत्या कर दिहल बा, आ ना दुश्मनी ना कुछ कुछ बात नहीं खे। हाँ थाना बाड़न तो रुपया लेके दलाली लेके अपन किस खा जाता, यही हम जानता नहीं अपना भाई साहब। अब आप लोगों को जब बच्ची से कोई दुश्मनी नहीं, परिवार से कोई दुश्मनी नहीं, तो आखिर इस तरह का कांड क्यों किया लोग? अब पता नहीं है कि काहे कांड भयल, पूछे वाला ये कांड कले बजे जियत न उ तो जियत माने जेकर भयल जो मर गई उ तो एकदम जियत न उदमी से पूछ ली जरा सब हमने के गरीब आदमी आंधा आदमी हमने के का जानते जा कुछ नहीं जानते, बाकी हमने के जामल बाड़ी तो कुछ सवाद आवता। टियर थाना के पास हम हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी है, कोई चट्टान सिंह यहाँ पे कोई प्रभारी है या छोटा बाबू है पता नहीं कौन है, उन पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि 112 नंबर पर फ़ोन जिस बंदा ने किया था उसको भी डांटा बोला गया है कि आपने 112 पर फ़ोन क्यों किया, लगातार पैसा का लेन देन होता है और वैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है जो गलती करते हैं। हालांकि थाना में इस तरह का घुसखोरी तो चलता है ये तो मुझे पता था, लेकिन किसी के हत्या पर किसी के लाश पर भी इस तरह का मजमा चल रहा हो ये थोड़ा सा ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि टियर थाना पर तमाम यहाँ के टियर के जितने भी गांव के लोग हैं सब यहाँ तक कि महिलाएं बच्चे तक उमड़े हुए हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनता जग चुकी है। लोग क्या हुआ है? हमारा घर में ताला तोड़ के रंड से घर में समा के चोरी कैलस, कैसे दिखो हमारे लड़का हमारे माँ दोस्त बिहान का ऊपर से छत पर से ताकत चिन्हलस के गिरौर हई बिहान के बोला के चार घंटा मार दिलस, तो कह कि बाँटी उठ गई बाँटिल के बाद में कह कि पैसा दे तो तोरा के बोला मार। हम कहनी ए बाबा देख तीन हाली हमार तारा के खेस काम करे वही नहीं केस एको न लिखल, अब हमार कह कि चोर दे हम के चोर पकड़ी सौंसे गाँव में हमारे हिते मुखालिफ केहू नहीं के सौंसे गाँव तू पूछे कि तेजू का लड़का कैसन हम केस नाली का कहता तेरी माँ के जो भाग ना तबर तान दिल हमारा के मारे खातिर आपको। हाँ हाँ गाली दिए? हाँ। कौन है वो? हम तेज चट्टान सिंह। हाँ बताइए, ये बृहद महिला है, माँ की समान है और गाली देकर किस तरह समझ, ये दूसरा मामला है? हाँ ये आज वाला मामला नहीं ना? ना ना बउआ, तो ये पहले का कोई मामला है। और इस तरह का बहुत सारे मामले हैं जो कि चट्टान सिंह पे है, हालांकि डीएसपी साहब आ चुके हैं जगदीशपुर के। जी लड़का हमारे भोला जी अभी बात थाना में करलन, अभी महेश जी आवलन नया पुलिस आवल सत बात भी हमारे खलीफन जी कर दल है। का आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि लड़की घर में पढ़ के गई थी, उसको घर में खींच के जरा दिया, ती गया दरोगा तू कहना चाहे कहा जा रहा है, तू पैसा लेके उसको माँ बहन को आरियात दिया घर से पहुँचाया, पहले थाना बस ले जाकर के उसका कहाँ पहुँचाया? किसकी माँ बहन को? भोजपुरी बोल। अरे उसका नाम मारा है? हाँ जन्मा रही है बभानिया का जरा है से को जो जलाया है उसको थाना पे लेके आई चट्टान सिंह पैसा लेके उसको काज ने कहाँ भगा दिया? भगा दिलो। देखिए आइए आने दीजिए, तो टियर थाना के पास है और आप देख सकते हैं जिस तरह का यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश है और अब लोग जग चुके हैं। आप कहीं भी जिस तरह चाहिएगा कि अपने मनमानी तरीके से थाना चलाएं तो ये नहीं चलने वाला है, और यहाँ मनमानी चल रहा है। अभी आपने देखा एक वृद्ध महिला ने बताया जो कि माँ की उम्र की है, उन्होंने बताया कि हमें गाली देकर माँ बहन का गाली देकर भगाया गया कि भागो नहीं तो थप्पड़ से मारेंगे। ये तो गुंडागर्दी चल रही है, ये तो थाने वाला का गुंडागर्दी चल रही है। ये देखिए इस तरह हुंकार मचा रहे हैं, ये गुंडागर्दी है। इस तरह से यहाँ थाना रहे या ना रहे क्या फायदा है? आइए तो थोड़ा सा हम बात करेंगे, डीएसपी साहब भी आए हुए हैं कि क्या मामला है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है? परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं।
संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा आरा।